हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शाह सुराना में। आज का टॉपिक है आप बुक कैसे लिखें। अगर आपका मन है कि मैं भी एक जो है बुक लिखूं या रेसिपी लिखूं, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप रेसिपी बुक लिखते हैं, फर्स्ट पहले तो आप देखें कि कौन सी डिश बना रहे हैं। देन उसके पहले आप टॉपिक लिखिए। जब अब भी आप रेसिपी बुक लिखते हैं तो उसमें एक टॉपिक लिखिए। टॉपिक के बाद आप इंग्रेडिएंट्स लिखिए। इंग्रेडिएंट्स में जो है, आप जब भी कोई रेसिपी लिखिए, पहले आप देखिए कि आप कितने कितने पर्संस के जो है आप रेसिपी लिख रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही जो है आप इंग्रेडिएंट्स एंड क्वान्टिटी आप लिखिए। इन्ग्रीडियंट्स के साथ क्वान्टिटी, वेट तो आप उसका लिखिए। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप लिख लेंगे, क्वांटिटी भी लिख लेंगे, इंग्रेडिएंट्स नेम भी लिख लेंगे, क्वांटिटी हो गया, नेम हो गया एंड वेट, ये सब आप अगर लिख लेंगे, उसके बाद आप जो है प्रिपरेशन लिखेंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद मेथड, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, देन लास्ट में सर्विंग, के आप कैसे सर्व कर रहे हैं, किस बाउल में सर्व कर रहे हैं और गार्निशिंग उसमें क्या है। नेक्स्ट उसकी टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी टाइम है, कितना टाइम है इस डिश को बनने के लिए, कितना टाइम लगा, उसके बाद आपने ये किस पर्सन के लिए बनाई, कितने 3, 2, 4, 5, तो उसका जो है आप लिखिए कि 5% या 2%, इस तरीके का आप जो है लिखेंगे। ये एक प्रॉपर रेसिपी है जो आप लिखते हैं अपने मेन्यू में, या फिर आप अगर आप बुक लिख रहे हैं तो बुक लिखते वक्त आपको ये सब लिखना है। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो एक फ्रंट पेज भी आपको बनाना पड़ेगा, तो जिसमें आपके जितनी डिश है उनके सबके नेम होने चाहिए कि कौन कौन से डिश है आपके बुक में और कितनी रेसिपी है। जैसे फॉर एग्जांपल 25, 26 या फिर 30, 40, 45 या 50, 100, जितनी आपकी रेसिपी है उसके पहले एक फ्रंट पे लिखिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप पेज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आप जो है रेसिपी लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।